कृपया ध्यान दें, इस वीडियो को मोबाइल के फुल स्क्रीन में पोर्ट्रेट मोड में देखें। धन्यवाद। समस्त शासकीय विद्यालयों में कार्यरत सम्माननीय शिक्षक साथियों, आपको मेरा प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, 1 अप्रैल 2018 से आप अपनी उपस्थिति एम शिक्षा मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करने वाले हैं। आइए जानते हैं इस ऐप को कैसे डाउनलोड किया जाता है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का डाटा ऑन करें। इसके बाद आपके मोबाइल में पहले से एक ऐप इंस्टॉल होगा जिसका नाम है प्ले स्टोर। इस ऐप को टच करते हुए ओपन करें। जैसे ये ओपन होगा, सबसे ऊपर वाटरमार्क में गूगल प्ले लिखा होगा। इस स्थान पर आप एम शिक्षा मित्र टाइप करें। जैसे ही कुछ लेटर आप टाइप करते हैं, सबसे पहला विकल्प नजर आएगा एम शिक्षा मित्र पब्लिक। इसे टच करते हुए ओपन करें। आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है, यह एम शिक्षा मित्र ऐप की है। इसे आप देख लें। इसमें सबसे ऊपर एमपी एजुकेशन पोर्टल की होम स्क्रीन नजर आ रही है और एम शिक्षा मित्र पब्लिक जो लिखा हुआ है, यह एनआईसी अर्थात नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर भोपाल के द्वारा बनाई गई है। यदि यह आपके द्वारा ओपन किया हुआ ऐप एनआईसी का ही है तो आप सही स्थान पर हैं, किंतु यदि इस तरह की कोई ऐप अन्य किसी के द्वारा बनाई गई है तो कृपया उसको कतई इंस्टॉल ना करें। अब यह ऐप आपके लिए डाउनलोड होने के लिए तैयार है। सबसे पहले आप ग्रीन कलर की टैब इंस्टॉल को टच करें। पुनः एक नई विंडो सामने आएगी जिसमें नीचे ग्रीन कलर की टैब एक्सेप्ट को टच करें। इस समय आपका यह ऐप डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलिंग होगी। इंस्टॉलेशन में कुछ समय लग सकता है, यह निर्भर करता है आप किस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जब तक यह इंस्टॉलेशन होती रहे, आप कृपया इंतजार करें। अभी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, यह ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। आप चाहें तो इसे इसी स्थान से ओपन कर सकते हैं। इसके ग्रीन कलर के टैब ओपन को टच करें। अब आप देखेंगे, आप अपने इस ऐप के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं जिसमें लिखा है एम शिक्षा मित्र मोबाइल ऐप में आपका स्वागत है। जब भी कभी आप इस ऐप का इस्तेमाल करें तो इसके आइकन को टच करते हुए आप ओपन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आइकन किस तरह का है। यहाँ पर आपको रेड कलर में जो आइकन नजर आ रहा है, यह इसका शॉर्टकट यहाँ पर बन चुका है जिसके नीचे लिखा है एम शिक्षा मित्र। जब भी कभी आप कार्य करें, इसको टच करते हुए ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे दूसरे वीडियो।